गाइस वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारे स्कूबी का खाने का टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो अभी चलो यार, इसका मैं खाना जल्दी जल्दी रेडी कर देता हूँ। आजा स्कूबी, सीट स्कूबी सीट। अरे यार बिल्कुल नहीं सुनती यार ये। आजा स्कूबी, चल भाई आजा 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 आजा। ये लो जी फिनिश। ये भी इसका नाश्ता है दोस्तों। दोपहर को इसको अलग फूड मिलेगा और शाम को और रात को अलग फूड मिलेगा। थोड़ा 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 करके हम इसको दे रहे हैं और आप इसके भी तबीयत भी देख सकते हो भाई। बहुत अच्छी हो गई भाई हमारे इसको भी। ये देखो गाइस, जहाँ से हमारी फिशेज परचेस किया था तो मैंने वहाँ पे देखा था कि भाई हमारे सारे फिशेज को मतलब लाइव फीडिंग वहाँ पे दिया गया था, तो मैं भी वही ट्राई करना चाहता हूँ। और आज हम जाने वाले हैं भाई रिवर फिशिंग के लिए और देखते हैं भाई वहाँ पे हमें छोटे छोटे फिश मिलते हैं तो मैं हमारे फिशेज के लिए वो लेके आऊँगा, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी रेडी होके और निकलते हैं रिवर फिशिंग के लिए। अभी हम लोकेशन पे तो आ चुके हैं और मुझे इस बार है ना भाई कुछ परिंदे दिखे जो कि आपको दिखाता हूँ भाई। ये उड़ने ही वाले भाई, ठीक है ना। एक मिनट, अभी भी नहीं उड़ रहे यार। ये देखो भाई, ये उड़े नहीं। ये देखो गाइस, ये कौन से परिंदे पता नहीं भाई, बट इनको देखकर लग रहा है कि भाई यहाँ पे फिशेस तो जरूर होगी। उड़ गए भाई, ये देखो गाइस फुल्ली ब्लैक कलर में थे यार। दोस्तों यहाँ पे तो देखो यार पूरा गार्डन टाइप है भाई। ये देखो यार बहुत ही खूबसूरत। वाओ, मुझे नहीं पता था भाई इनको इतने अच्छे फूल आते हैं। ये देखो गाइस पूरा का पूरा गार्डन है भाई ये। वाओ वाओ। इस बार है ना मैं इस नेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। छोटे नेट भी लाई है हमने, बट थोड़ा पानी यहाँ पे बड़ा होने की वजह से इस ये नेट तो लगी भैया हमें, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं भाई। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा ग्रीन वाटर है और पता नहीं भाई यहाँ पे कौन सी फिश होंगी। मैं एक बार ये ट्राई करके देखता हूँ। वो बड़ी नेट कहाँ है अपनी, बड़ी नेट यहाँ पे डाल के देखते हैं। ये देख भाई यहाँ पे तो कुछ था यार, यहाँ पे ट्राई कर दो भाई। इस वाले ग्रीन वाटर में तो हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। बहुत सारे ट्राई किए मैंने, आगे जाके देखते हैं। ओ भाई साहब क्या है, देखा कौन सा है। ओ भाई साहब, अच्छा ये मुझे पता ही, हमारे डैम में मिला था दोस्तों हमें। ये देखो गाइस ये गोभी फिश, कमाल है भाई वाइल्ड गोभी फिश, बट ये हमारे कुछ काम का नहीं भाई, ठीक है ना। इसे छोड़ देते हैं बड़े पानी में। चा भाई तो हमने बहुत सारे जगह पे यहाँ पे ट्राई किया बट हमें एक भी फिश नहीं मिल रही है। और यहाँ पे चांसेस है भाई मिलने के, बहुत बड़ी फिश है भाई बट यहाँ पे। हाँ ये देखो भाई, आपको मैं फिशेज दिखा तो छोटे से। ये देखो गाइस यहाँ पे गप्पीज की तो भरमार है भाई, बहुत सारे गप्पीज है भाई। और जाके ट्राई करते हैं भाई, अभी तो मैं सबसे टॉप पे आ चुका हूँ। और इस वाली नदी में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करके रखा है भाई। देखो भाई हम सारा कुछ घूम के आए और यहाँ पे आए, एक भाई यहाँ पे फिशिंग कर रहा था तो अभी उसने कितने फिश पकड़े आपको दिखा दो। ये देखो गाइस, ओ भाई साहब बहुत बड़े साइज के तिलापिया फिश है। एक मिनट, भाग जाएंगे क्या भाई ये, भाग जाएंगे काटा लगा। अच्छा ये देखो गाइस, भाई साहब आप ये वाला पानी देख रहे हो भाई, पूरा का पूरा पॉल्यूशन हो चुका है भाई इस वाटर में। और इस पानी में इतनी बड़ी फिशेज है, ठीक है ना। अभी भाई इसमें एक मिनट इसको रख देता हूँ भाई मैं। और है क्या दूसरी वैरायटी की नहीं क्या, कहने है ना। इस वाले लोकेशन पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, मतलब भाई बिल्कुल भी हमारी इच्छा नहीं हो रही भाई। तो भाई को बोला है कि हमें बड़े साइज की दो फिशेज मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे मॉन्स्टर टैंक के लिए। तो भाई हमें पकड़ के दे रहे पानी, तो भाई इतना गंदा पानी ना भाई, क्या बताओ यार। देखो गाइस अभी ना एक भाई ने पकड़ा है, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई आपको ये साइज दिखा दो दोस्तों, ये बहुत बड़ी है भाई। भाई इतने बड़े तो नहीं चाहिए भाई हमें, ठीक है ना, इतनी मोटी नहीं रे। हाँ यानी उन थोड़ी छोटी भाई जी। बाप बाप बाप, ये देखो गाइस ये वाली फिश इस वाले वाटर में मतलब पूरा ब्लैक वाटर है भाई ये। और ये देखो गाइस
थोड़ी छोटी ना, हाँ बस आशा मरेले ना रे बनती। यहाँ पे हमें बहुत ही अनोखी फिश मिली है, मतलब हमें नहीं यार भाई ने पकड़ी है, आपको दिखाता हूँ भाई मैं। ये देखो गाइस, ये कौन सा फिश है भाई, सच में नहीं पता भाई ये कौन सी कैट फिश है। ये देखो यार जबरदस्त, ये देखो गाइस जबरदस्त यार। अभी हमें बहुत जल्द मतलब जल्दी निकलना है अगर अभी, ठीक है ना, क्योंकि भाई ने हमें ना 4-5 फिश ऐसी ही दे दी। भाई बोले कि आप लेके जाओ, चलो भाई अभी जल्दी चल। इस बार लोकेशन हमने थोड़ा गलत चूज कर लिया क्योंकि इस लोकेशन में पानी बहुत ज्यादा गंदा था। हेलो भाई कब आया, अभी आया, अभी आया। चलो भाई निकलते हैं जल्दी जल्दी, हमने पकड़ ली भाई फिश। मेरे बाद में दोस्त भी आए थे, हमारा पूरा प्लानिंग था भाई यहाँ पे हम बहुत सारे फिशेज पकड़ेंगे। अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मतलब हमने जो फिश ली ना भाई उनको घर पे जिंदा पहुँचाना है, ठीक है। पानी भरो भाई, जल्दी ला जल्दी ला जल्दी ला, एक मिनट बाल्टी लेता हूँ, ये जंप भी करेगी, ये बाल्टी ले भरो भाई, इसमें पानी भरो जल्दी। तो हमने सारी फिशेज बाल्टी में शिफ्ट कर दी। ये देखो यार कितने बड़े साइज की हमें दिए भाई भाई ने, ये देखो 1, 2, 3 और 4 हमारी तिलापिया फिश हो गई। और भाई दो पता नहीं यार ये कौन सी भाई कैट फिश है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ इनको ना छोटे टब में निकल लेता हूँ और अंदर फिश रूम में इनको जल्दी जल्दी शिफ्ट भी करना होगा। ये देखो गाइस इसकी साइज देखो भाई, भाई बोला है कि भाई ये बहुत जोर से कांटे मारती है, इसे संभाल के हैंडल करना। ये देखो भाई साहब चमक देखो यार इसकी, जा भाई ये पहली वाली तिलापिया हो गई दोस्तों, आराम से आराम से। और ये थोड़ी बहुत डैमेज हो गई यार, ये वो पकड़ रहे थे ना तो उसी की वजह से। ये देखो ये सेकंड वाली तिलापिया फिश, आ जा भाई तू भी। ये देखो गाइस भाई साहब ये अलग ही तिलापिया फिश है भाई, इनका कलर देखो भाई। और ये भाई यहाँ पे ये देखो भाई, हमने इनको सेव कर लिया दोस्तों। ये देखो भाई, ओ भाई ये तो तिलापिया लग भी नहीं रही यार, ये पूरी एक्वेरियम फिश लग रही दोस्तों। इसका कलर देखो यार, वाओ। ये हमारी दोस्तों अभी 4 तिलापिया फिश हो गई और ये 2 कैट फिश हो गई जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यार। ये देखो गाइस ये भाई कौन सी कैट फिश है यार, आप मुझे कमेंट से जरूर बताना। इसके ऊपर एक ऐसा नुकीला काटा भी भाई, ठीक है ना यार, मुझे इसका नाम सच में नहीं पता भाई। ये देखो गाइस बहुत ही क्यूट है यार ये, वाओ। और एक है भाई, ये भाई ने वहाँ पे 2 पकड़ी थी यार। ये देखो गाइस इसका कलर देखो यार, वाओ जबरदस्त। ये हमारी 2 कैट फिश हो गई दोस्तों, वाव यार कैट फिश मतलब माय फेवरेट भाई। गाइस अभी इनको जल्दी जल्दी मैं हमारे मॉन्स्टर टैंक में शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि इनको ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है यार, ठीक है ना। तो चलो भाई इनको जल्दी जल्दी हमारे मॉन्स्टर टैंक में शिफ्ट करना होगा। पहले तो ये 2 कैट फिश है ना दोस्तों, मैं क्या करता हूँ ये वाली 2 कैट फिश में सेपरेट रखना चाहता हूँ भाई, हमारी पहले वाली कैट फिश के साथ इनको नहीं रखना चाहता हूँ। ये वाली कैट फिश हमारी ये वाले टैंक में रहने वाली है, देखते भाई ये कौन सी कैट फिश है हमारे यहाँ पे रहती है या नहीं, नहीं तो हमें इसको फिर से रिलीज करना होगा भाई, ठीक है ना। तो चलो गाइस इनको अभी जल्दी जल्दी पकड़ दो, आ जाओ भाई। ये देखो गाइस, ओ भाई ये देखो यार, ये हमारी पहली वाली कैटफिश। ये देखो गाइस ये अभी हमारी सेकंड वाली, ओए भाई आजा। ये देखो यार ये आ गई दोस्तों हमारी सेकंड वाली कैटफिश, वाओ। ये देखो भाई जबरदस्त। ये वाली कैटफिश दोस्तों मैं हमारे दूसरे वाले कैटफिश के साथ रखना चाहता था, ये वाली कैटफिश के साथ, बट यार ये वाइल्ड कैटफिश है तो भाई पता नहीं हमारे दूसरे वाले कैटफिश को ये डैमेज ना पहुंचा दे। चलो गाइस अभी हमारी ये तिलापिया फिश है मैं ये हमारे एक्वेरियम में छोड़ रहा हूँ, जैसे कि ये पहली वाली गई भाई साहब, बड़ी एक्टिव है यार ये। ये देखो भाई ये हमारी पहली वाली तिलापिया है, मतलब हमने बहुत दिनों पहले इसको सेव किया था, बहुत कम पानी बचा था आपको पता ही होगा। और ये अभी हमारी दूसरी वाली, ठीक है ना। और इसका आप फर्क देख सकते हो भाई, ये इसका पूरा कलर ही अलग है। और ये हमारी पहले वाली तिलापिया है यार, ये देखो भाई इसका कलर देखो भाई, इसके ऊपर पैटर्न है, इसके ऊपर बिल्कुल पैटर्न नहीं है। चलो भाई अभी हम तीसरी वाली जो है ये पकड़ते हैं, सेकेंड वाली सॉरी। चलो भाई जाओ, ये भी मैंने छोड़ दिया, ओ भाई साहब। अभी हमारी थर्ड वाली, ये देखो गाइस जाओ भाई तुम भी, ये थर्ड वाली छोड़ दिया। अभी ये फोर्थ वाली, ये सबसे छोटी है और भाई को मैंने छोटी ही कहा भाई, ठीक है ना, नहीं तो बड़ी तिलापिया लाता तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती यार, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी उनको लेने के लिए जगह नहीं थी, छोटी तिलापिया के लिए जगह थी तो हम ये लेके आ गए। और बड़ी तिलापिया लाते तो भाई हमारे दूसरे फिश को ये डैमेज भी पहुंचा सकती थी, ठीक है ना। ये देखो गाइस ये तो ग्राउंड पे बैठ गई यार, ओ भाई अभी थोड़ी बहुत स्ट्रेस में है, थोड़ी देर बाद ये स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। लाइट्स वगैरह मैं अभी ना ऑफ कर देता हूँ। आज हम रिवर फिशिंग को गए थे क्या लेने के लिए और क्या लेके आ गए भाई, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हमें कैटफिश मिल जाएगी 2 और इतनी बड़ी साइज की तिलापिया फिश मिल जाएगी भाई, इससे भी बड़ी मिलती है यार हमें, ठीक है ना। बट मैंने नहीं लिया यार, अभी मुझे थोड़ा बहुत ही हो रहा है यार।
पैकेजिंग का कुछ बड़ा लेके जाते तो बड़े वाली तिलापिया मिलती दोस्तों यार हमें। बट कोई नहीं, चलो यार नेक्स्ट टाइम जाएंगे और भाई को ही लेके जाएंगे, वो भाई का मैंने नंबर वगैरह ले लिया और भाई को ही लेके जाएंगे और बड़े साइज की तिलापिया लेके आएंगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट से बता देना भाई वो जो कैटफिश हमने लाई है ना वो कौन सी कैटफिश है, ठीक है ना। अभी बहुत गंदे पानी में थे यार वो, मतलब पूरा का पूरा ब्लैक वाटर था यार, ब्लैक ब्राउन पूरा मिक्स पानी था भाई वहाँ पे। ग्रीन अलग होता है भाई, ब्लैक अलग होता है, ब्राउन अलग होता है, ठीक है ना। पानी भाई बहुत ज्यादा स्मेल भी कर रहा था, इसी की वजह से हमने वहाँ पे कुछ फिशिंग वगैरह नहीं की। तो आपको पता है यार यहाँ पे है हमारी डम्बोयर गप्पीज, यहाँ पे है हमारी ब्लैक कलर की मुंडल मॉलीज और यहाँ पे है हमारी शॉर्ट टेल्स और यहाँ पे थी भाई हमारी प्लैटीज, ठीक है। तो भाई अभी जस्ट मैंने चेक किया कि मैं फीडिंग डालने इनको हर इवनिंग में आता और देखता भाई सारे फिशेस को, तो अभी मैंने जस्ट देखा कि एक भी प्लैटी ऊपर नहीं आ रही है एक दो दिनों से। तो आज मैंने सोच लिया कि भाई इनको चेक ही करते हैं भाई इनका पॉन्ड। तो पॉन्ड चेक करने के भाई पॉन्ड जैसे ही दोस्तों मैंने चेक किया ना भाई यहाँ पे हमें एक भी प्लैटी फिश नहीं मिली, एक भी नहीं यार। हमने टोटल यहाँ पे 12 से 13 प्लैटी फिश छोड़े थे बट एक भी प्लैटी नहीं मिली। अभी उसका रीज़न क्या है हमें देखना होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने जहाँ से परचेज किया था तो वो सारी प्लैटीज डैमेज वगैरह होगी, तो एक एक करके सारी वो गई होगी, तो वही लग रहा है। वो देखते हैं भाई इसका रीजन क्या होगा और हमें अभी न्यू प्लैटीज लानी होगी दोस्तों हमारे सेटअप के लिए। बाकी शॉर्ट टेल्स तो एकदम बराबर है भाई, एक भी शॉर्ट टेल्स को कोई दिक्कत नहीं और ये बड़ी भी हो गई भाई अभी, और थोड़ी दिनों में यहाँ पे हमें बच्चे भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे है हमारी ब्लैक कलर की मॉलीज, वो भी ठीक ठाक है और वो तो बच्चे देते जा रही है। तो देखो भाई इनके बच्चे भी दिखाता हूँ, ये देखो गाइस हमारी जो ब्लैक कलर की मॉलीज है ना यहाँ पे मैंने छोड़ी थी और कुछ ऑरेंज कलर की भी बच्चे दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज मॉली भी एक हाथ दो गिर गई होगी तो इसी की वजह से ऑरेंज कलर के बच्चे दिख रहे हैं। ये देखो ब्लैक मॉलीज के बच्चे बहुत सारे भाई। दोस्तों आज तो हम रिवर फिशिंग के लिए गए थे और जो कि आप ये वाली देख सकते हो, ये वाली सेकंड वाली हो गई और ये वाली हो गई। और दोस्तों ये जो तिलापिया फिश है ना यार थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी है, मतलब जिस भाई ने इनको पकड़ा है ना तो ये थोड़ी बहुत डैमेज थी, तो आप ये देख सकते हो। तो हम इनको पूरा रिकवर करने की कोशिश करेंगे यार, ठीक है ना। ये देखो भाई एक नीचे बैठी है और ये तो मैं इसको कब का देख रहा हूँ यार, ये फिल्टर के जो फोर्स आ रहा है ना अभी पानी का, तो ये फ्लो में ही खड़ी है भाई कब की। ये देखो भाई, तो यार इनके लिए थोड़ी बहुत मुझे टेंशन है क्योंकि यार इनकी डेथ ना हो जाए यार, मैं तो इनको पूरा संभालने वाला हूँ। और पता नहीं यार हमारा पैरट फिश और ऑस्कर फिश क्यों लड़ रहे हैं भाई यहाँ पे, यार लड़ो मत यार, नहीं तो इनको दोस्तों मुझे फिर से यार अलग अलग करना होगा, ठीक है ना। बाकी सारे फिश यहाँ पे अच्छे से रह रहे, सिर्फ हमारा ऑस्कर फिश और पैरट फिश यार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं यार। पता नहीं यार क्या करूँ भाई इनका मैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई ऐसे ही अभी लड़ते रहे तो भाई इनके लिए फिर से मुझे एक न्यू टैंक बनाना होगा। दोस्तों मुझे काफी सारे भाई कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आपके अरवाना के टैंक के ऊपर कुछ कवर कर दो नहीं तो ये जंप मार देगी। तो भाई आपने सही गेज किया भाई, अरवाना फिश भाई जंप कर देती है कुछ टॉप पे नहीं रखा तो भाई मैंने यहाँ पे ना ये वाला टैंक का जो मुझे कांच बच गया था तो ये कांच मैंने रख दिया है और यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत ये जाली वगैरह लगा दी है, मतलब हमारे जो अरवाना फिश है ये जंप नहीं कर पाएंगी। और रेड टेल कैटफिश के ऊपर भी हमने एक जाली लगा दी है और यहाँ पे भी हमारी दूसरी वाली कैटफिश है इधर भी हमने जाली लगा दी है, मतलब ये जंप नहीं कर सकेगी। और मैंने आज हमारे मॉन्स्टर टैंक में जो रिवर वाली फिश ऐड की है तो वो भी जंप कर रही थी यार पानी के बाहर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर से इनको भी ऐसे ढक दिया है, ठीक है, मतलब ये जंप ना कर सके भाई पानी के बाहर, क्योंकि वाइल्ड फिश है तो वाइल्ड फिश भाई ये कैसे भी ऊपर उधर नीचे जंप करती है। और दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा ना यार, मतलब ये इतना मजा नहीं आ रहा इनको देखने में। मैंने एक गलती कर दी यार, बड़े वाली साइज की तिलापिया में लेके आता ना तो बहुत ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत दिखती, ये थोड़ी मीडियम साइज की तो इतना मजा नहीं आ रहा इनको देखने में। तो मैं तो सोच रहा कि भाई इनको मैं अच्छे से रिकवर कर दूं और इनको मैं फिर से रिलीज कर दूं और जब हमें बड़े साइज की तिलापिया मिल जाएंगी तब हम हमारे सेटअप में वो ऐड कर देंगे, मतलब ऑस्कर फिश के साइज के बराबर, ठीक है ना, ये प्रॉपर मॉन्स्टर टैंक लगेगा। तो चलो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूं और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।